भाई ये मौसमी लग रही क्या, फुटबॉल है भाई। पीयूष दुनिया पूछ रही यार वो 40 पराठे वाला क्यों ना आवे। आ गए क्या मैदान में? आ गए क्या वापस? चल ले यार, चल मैं मना करी, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ। 10 बजे ही गए आपका टाइम देख। अभी ऐसे खड़ी नहीं होगी स्टैंड पे, क्यों थोड़ा स्टैंड इसका लेट है। लेट गया तो तू लेटाता क्यों स्टैंड को? है क्या करता रहता है यार तू, ये इसका स्टैंड सही कराएंगे आज। ये शैम्पू किस में डाल रहा है, इससे साफ करेगा? क्या बात है गाइस, देख लो मेरे को पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है जो कितने अच्छी तरीके से अपनी वो साइकिल धो रहा है, मतलब जो भी व्हीकल है बिल्कुल, बहुत कम पानी वेस्टेज करा है भाई साहब ये, मतलब इसको नोनू ये तो तूने बहुत अच्छे काम करे हैं आज। मैं पहले भी ऐसे करता, पहले भी ऐसे करता था, लोगों को दिखता था। आप दिखेगा ना लोगों को, पर इसके संग भी पता कितना पानी वेस्ट होगा। ये तू क्या करेगा, खाली शैम्पू शैम्पू से करेगा, साफ पानी भी तो डालेगा इसमें ना। देख पहले एक बोतल शैम्पू की पूरी साफ हो जाएगी, फिर एक बोतल उसको मतलब गीला कपड़ा लाऊंगा उससे साफ। पर फिर भी ढंग से साफ होगी नहीं यार, मेरे को लग रहा है ना। तो पत्रकार साहब क्या करके जा रहे हो, चला चला क्या होता है? तो गाइस यहाँ तो साइकिल धोने का काम चल रहा है और मैं अभी जग के आया हूँ जस्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का फुल प्लान है व्लॉगिंग करने का, ऐसा कुछ नहीं है, ये व्लॉग आएगा, दांसू व्लॉग आएगा, या तो आज संडे है, या तो या शाम को ही आ जाएगा या कल सुबह आ जाएगा। पत्रकार साहब कहाँ से आ रहे हो? अरे पत्रकार साहब बोलते क्यों नहीं कुछ? सामान लेके। सामान लेके? कौन सा सामान लेके? तो गाइस देखो अभी भी इस कॉलिंग की बोतल अभी भी आधी भरी हुई है, इससे मैंने पूरी साइकिल धो दी। ऐसे आप भी अपनी बाइक साइकिल और कार भी धो सकते हो एक बोतल से। हाँ? फ्लो फ्लो में ज्यादा बोलेगा गाइस, देख लो सेंटी हो गया ये एक बोतल में धो रही। तो देख कितनी चमक गई मेरी साइकिल। तो गाइस देख लो अभी क्या, इसको अपन सुखाने के लिए यहाँ खड़ी कर रहे हैं, धूप धूप दिलाने, जादू के लिए धूप चाहिए धूप। ये अभी स्टैंड भी ठीक करा के आऊंगा मैं, साइकिल से उठ जा रहा। 150 रुपये ले, 150 रुपये, 150, 150 रुपया दिएगा जाई। के हाल है? अच्छे हाल है, अच्छे हाल है गाइस। मैं 3-4 बार पूछ सका हूँ जाई से क्या हाल है, धूप ले रहे हो? है ले वो धूप, लो धूप। पीयूष दुनिया पूछ रही यार वो 40 पराठे वाला क्यों ना आवे। आ गए क्या मैदान में? आ गए क्या वापस? मैंने वो जी मैंने कहा वो खेतन में चल रहा हूँ आजकल, अब कहते ही ना ब्लॉग में खेतन में चल रहा, पानी चल रहा खेतन में। हाँ इतना सारा क्या काट रहे हो आप ये सब? ये देखो ये काट दिए, ये 3-4 बर्तन ले रखे, क्या कर रहे हो आप ये सब? सरसों का साग। सरसों का साग काट रहे हो? इतना सारा बनाओगे मम्मी? सरसों का साग और मक्की की रोटी। इतना सारा, पर इतना सारा साग कौन खाएगा मम्मी? बन जाता है साग, रोज थोड़ी बनता है, एक बार बना के रख देंगे उबाल के, जब खाना होगा तभी तड़का लगेगा ताजा ताजा। अच्छा एक बार में आप सारा बना के रख दोगे? ये सही है। और देखना गाइस कितना सारा तो काट लिया है, अभी इसमें कट रहा है, अभी ये पूरी टोकरी भरी हुई है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काय का व्लॉग, काय का व्लॉग, डेली व्लॉग की होती है, आपने पहले से डेली व्लॉग की कही थी, खाएंगे डेली व्लॉग आएंगे गाइस। मैं देखो आपको भी पता मैं क्यों नहीं डाल रहा, बाकी मैं व्लॉग अभी भी इसमें मैंने 2-3 निक्स का मिक्स करके डाल दिया है। हाँ सब्सक्राइबर हुए तेरे, ऐसे डेली व्लॉग नहीं डालेगा तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे तेरे? गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार, आप लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो, प्लीज यार इसको सब्सक्राइब करो यार। तो अभी मैं और नोनू जा रहे हैं साइकिल सही कराने, ये स्टैंड इसका खराब है। और क्या खराब है नोनू इसका? और एक ये इसकी ना मैंने मेरे से गलती है, यहाँ की ये देखिए ब्रेक टूट गई, ब्रेक टूट गई इसकी, ये देख। अच्छा चलिए अभी सही कराएंगे। पर यार मैं तो दीपक के घर तक ही जाऊंगा, तू आगे चला जाएगा क्या? आराम से। चल ठीक है चल। अरे आराम से चल रहे भाई, मैं भी तो आ रहा हूँ, पैदल पैदल ही चल रहे। हाँ पैदल पैदल चल रहे तभी तो बोल रहा हूँ, साइकिल पे चलेगा तो फिर बैठ के चलेगा तो ब्रेक कैसे लगाएगा? पीछे वाले पीछे तो खड़े होकर पैदल पैदल चल लेना। तो गाइस अभी फिलहाल नोनू आगे जा रहा है और मैं यहाँ दीपक के पास रुक गया हूँ, यहाँ पे ये भी बैठा है पत्रकार साहब और छोटे भी बैठा है, तू आराम से जाइयो ठीक है। ये गाइस 2 दुकान आ गई है, ये इसलिए अकेला जा रहा है।
अरे चल ले यार, चल मैं मना करी, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ, 10 बजे ही गए आपका टाइम देख। हाँ कितने कह रहे हो टाइम, 12 ही तो बज रहे होंगे यार, 11:30 हो रहे। मैंने क्या कहा, मैंने तूने मैं साढ़े नौ, अरे यार ऐसे मत कर यार, 9:30 तू तो 8:30 बोल देगा कल को, तेरा क्या है। तो गाइस फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं दीपक के खेत पे, वहाँ पे दीपक को थोड़ा बहुत काम है और मेरे से कह रहा है चल ले यार खेत पे, बहुत दिन हो गए गए, तो ये आ गया दीपक बाइक लेके, फिलहाल ये अभी जा रहे हैं अपन। तो गाइस ये देखो ये खड़ा नानू, तो अपन फाइनली दीपक के खेत पे पहुंच चुके हैं, ये अपन, अरे खुल जाता हूँ। गाइस ये देखो कितने बड़े नींबू, ऐसे लग रहे हैं जैसे अमरूद हैं। बहुत बड़े बड़े नींबू हैं ये अमरूद का पेड़, ये अमरूद का यही है ना, इन्होंने ये सही जुगाड़ कर रखा है, पीछे से इनके ये नाला जाता है और इन्होंने इसको नाले को यहीं से अपने खेत में ट्रांसफ़र कर रखा है, बिल्कुल खाद चल रही है, पानी 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 मस्त, पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। दीपक के जो खेत है ना उसका एक ये मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है, 1-2% का हिस्सा है ये सिर्फ, बाकी खेत तो बहुत सारे हैं, बाकी इधर इधर तो, और इधर तो सारे इन्होंने पूरे वो लगा रखे अपने फल फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह ये सब है, और खेती बाड़ी जो होती है वो अलग है। कौन है? वरुण मौसमी। मौसमी गाइस ये देखो मौसमी लेकर आया है, भाई ये मौसमी लग रही क्या, फुटबॉल है भाई साहब, संतरे की तरह छिल रही है मौसमी, संतरा यार ही मौसमी थोड़ी है, मौसमी है, मौसमी है, ऐसे संतरे की तरह सर 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 छील दी, और बाजार में भाई साहब इसको छीलने के लिए 10 तो चाकू यूज करते हैं वो, खा के देखना भाई साहब, एक नंबर। फिलहाल अभी अपन यहाँ से निकलते हैं, दीपक का भी काम हो गया और मार्केट में भी मुझे 2-3 काम है, और हाँ कल मैं जाऊँगा जयपुर, वापस से जयपुर, कल 18 तारीख है ना, इसलिए एग्ज़ाम है,